स्कॉर्पियो सेव स्टार्टर मोटर कैसे बदलें? तैयारी: वाहन को समतल जमीन पर पार्क करें और पार्किंग ब्रेक लगाएं। सॉकेट सेट, शाफ्ट, सर्वता और तार ब्रश जैसे आवश्यक उपकरण इकट्ठा करें। बिजली के झटके को रोकने के लिए नकारात्मक बैटरी केबल को डिस्कनेक्ट करें। स्टार्टर मोटर का पता लगाएं। स्टार्टर मोटर आमतौर पर यात्री की तरफ इंजन ब्लॉक के नीचे स्थित होती है। अपने स्कॉर्पियो मॉडल में स्टार्टर मोटर के सटीक स्थान की पहचान करने के लिए सर्विस मैनुअल का उपयोग करें। स्टार्टर मोटर निकालें। इंजन ब्लॉक में स्टार्टर मोटर को सुरक्षित करने वाले बोल्ट का पता लगाएं। सॉकेट और शाफ्ट का उपयोग करके बोल्ट निकालें। स्टार्टर मोटर से वायरिंग को सावधानीपूर्वक डिस्कनेक्ट करें। इंजन ब्लॉक से स्टार्टर मोटर को हटा दें। नई स्टार्टर मोटर स्थापित करें। जंग या मलबे को हटाने के लिए बढ़ते सतह को वायर ब्रश से साफ करें। नई स्टार्टर मोटर को स्थिति में रखें और इसे पहले हटाए गए बोल्ट का उपयोग करके इंजन ब्लॉक में सुरक्षित करें। तारों को स्टार्टर मोटर से दोबारा कनेक्ट करें। नई स्टार्टर मोटर का परीक्षण करें। नकारात्मक बैटरी केबल को फिर से कनेक्ट करें। नई स्टार्टर मोटर का परीक्षण करने के लिए कुंजी को प्रारंभ स्थिति में बदलें। यदि इंजन क्रैंक करता है तो स्टार्टर मोटर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। नोट: स्कॉर्पियो मॉडल के आधार पर विशिष्ट प्रक्रिया भिन्न हो सकती है और हमेशा विशिष्ट निर्देशों के लिए वाहन के सर्विस मैनुअल को देखने की सिफारिश की जाती है।